धर्म भाइयों नमस्कार। धर्मशास्त्र कहते हैं, सनातन धर्म कहता है, मननात त्रायते इति मंत्रः, अर्थात जिसका मनन करने से, जिसका जप करने से हमारे कष्टों का निवारण हो जाता है, हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, उन्हें हम मंत्र कहते हैं। मंत्र, आगम मंत्र, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, मंत्रों के कई श्रेणियां हैं। मैं भाइयों, मेरा यह सिद्धांत है कि मैं ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाऊं जिससे आपका कल्याण तो हो लेकिन कोई नकारात्मकता आपके ऊपर ना आए। मंत्र कई तरह के हैं, किन्हीं मंत्रों में ऐसा होता है कि जरा सा भी गलती होने से उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं, या कोई मंत्र ऐसे हैं जो किसी गुरु की देखरेख में करने चाहिए। आज जिस विशिष्ट मंत्र का प्रयोग बताने जा रहा हूं आपको, ये मंत्र भगवान शिव के महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। जीवन में समस्याएं किसी भी तरह की हों, आर्थिक समस्याएं हों, ग्रह कलह से संबंधित समस्याएं हों, या किसी विकट रोग की समस्याएं हों, या रोगों से ग्रसित व्यक्ति जो उसके एक नहीं कई तरह के रोग हों, उसके लिए भी ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस मंत्र को जितना मैंने सुना था अनुभव में, उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली माना। मैंने अनुभव किया कि ये मंत्र वास्तव में बड़ा प्रभावशाली है। जो मंत्र जप कर सकते हैं वो मंत्र जप कर लेते हैं, और जो मंत्र जप नहीं कर सकते हैं तो उस मंत्र की एक विशेष मैकेनिज्म के तहत उसका यंत्र बना दिया जाता है और लोग उस यंत्र को धारण करके बगैर मंत्र जप किए ही उसका लाभ पा जाते हैं। किसी मंत्र को एक विशेष तरीके से जब प्रयोग किया जाता है, एक विशेष सिस्टम के तहत प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम तंत्र कहते हैं। तंत्र कोई बुरी चीज नहीं है। मेरे भाइयों, एक बात सदैव याद रखिएगा, इसको कभी विस्मृत न करिएगा, धर्मो रक्षति रक्षता। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तभी हमारी रक्षा होती है। जब हम धर्म के प्रति संवेदनशील नहीं होते, धर्म का कर्तव्य नहीं निभाते हैं, धर्म की रक्षा का प्रयास नहीं करते हैं, तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करता। कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गईं क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया। तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मे निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म की रक्षा करने में अगर मृत्यु भी हो जाए तो उसे स्वीकार करना चाहिए, और दूसरे धर्म में जाना मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है, भयावह है। भगवान शिव का मंत्र, महामृत्युंजय का बीज मंत्र ओम जूम शाह, इसकी प्रशंसा सभी ग्रंथों में है। शिव पुराण सहित अन्य अन्य ग्रंथों में भी इस मंत्र की विशिष्टता और इस मंत्र के महत्व को बताया गया है। ये मंत्र आपकी सभी तरह की समस्याएं, चाहे वो भौतिक समस्याएं हों, आध्यात्मिक समस्याएं हों, किसी भी तरह की समस्या के निवारण के लिए इस मंत्र का जब रुद्राक्ष की माला से आसन पर बैठ करके भगवान शिव की प्रारंभिक उपासना, पूजा, साधना, उपचार करने के बाद इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र को जप करने के लिए शिववास देख लेना चाहिए। किसी आचार्य से पूछ करके शिववास के बारे में जानकारी ली जा सकती है। वैसे एक तरीका यह भी है कि अगर शुक्ल पक्ष है तो जो तिथि है, यहां तारीख की बात नहीं कर रहा हूं, तिथि की बात कर रहा हूं, तो शुक्ल पक्ष में तिथि का दोगुना करें और उसमें 5 जोड़ दें, 7 का भाग दे दें,
अगर शेष एक या दो या तीन आता है तो शिववास उत्तम माना जाता है। इसी तरह कृष्ण पक्ष में जो तिथि है उसमें 15 जोड़िए, उसके बाद उसको दुगना करिए, दुगना करके उसमें 5 जोड़िए और फिर 7 का भाग दीजिए, शेष 1, 2, 3 आता है तो शिववास उत्तम माना जाता है। इस मंत्र का कुछ इस तरह से लोग प्रयोग भी करते हैं, जैसे किसी को हृदय रोग से पीड़ा है बहुत ज्यादा, तो वो लोग इस तरह से कर लेते हैं, ओम जूम शह मम हृदय रोग निवारणाय सह जूम ओम, या जिस तरह की भी समस्या हो बीच में उसी तरह का लगा देते हैं संपुट। लेकिन जो मेरा अनुभव है, आप संकल्प कर लें, जिस भी समस्या के लिए संकल्प करेंगे, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमारी इस समस्या का निवारण करिए, मुझ पर कृपा करिए, और उसके बाद इस मंत्र का जप करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इस बीज मंत्र का ही जप करने से कल्याण हो जाएगा। ओम जूम शह बड़ा सिद्ध मंत्र है, जागृत मंत्र है और आपके लिए बड़ा कल्याणकारी मंत्र है। ये तो सनातन धर्म की परंपरा ही रही है कि वो सभी के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व को सनातन धर्म में ने अपना कुटुंब माना है और कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिना, और ये कामना सिर्फ सनातन धर्म के अंदर ही है। और वस्तुतः धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म, बाकी जितने भी अन्य हैं वो संप्रदाय हैं, पंथ हैं, लेकिन धर्म तो एक ही है और वो है सनातन धर्म। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, शिव शक्ति साम सदा शिव की कृपा सदा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, आप सारे कष्टों से मुक्त हों, जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करें, इसी मंगलमय कामना के साथ जय माता की।